All right, guys, this is Sorry TV, and you're watching the Sorry Reviews. He's Nikhil, and I am Bani. And so sorry, हम इस गाने बिना थोड़ा लेट आए हैं. थोड़ा नहीं, मतलब आपको पता है. देखो, सेम महीने में आए, 10 दिन लेट है. The day it got released, I opened it up and said कि यार इसको मैंने एक टैब में खोल लिया. हम ऐसे टैब खोलते हैं. मैंने कहा भाई ये करेंगे. तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद I think you were not feeling well कि हमने दो गानों के बाद ही ना स्टॉप कर दी कि यार अभी नहीं हो रही, हम इसको बाद में लेंगे. वो बाद ना आया ही नहीं. हाँ, but the matter of fact is यहाँ पर खान बैनी है और साथ में राज शौकर है. हमने दोनों के ऊपर एक गाना किया था and we pretty much enjoyed it. Killed it in that, but उसके बाद I have not seen Raj Shaukar much active. But हाँ, she's been trying ना. मैंने उनके मुंबई के कुछ shots देखे थे. I don't know what she's up to. But यहाँ पर एक गाना आया खान बैनी का, साडे पिंड. उनके official channel पे आया with 507 के subscribers. 5,07,000. हाँ. Lyrics and composition is by खान बैनी. Female lead मैं आपको बता चुका हूँ. Music is by Psycho Style. और गाना 4 minutes 43 seconds. Let's jump into the video, ladies and gentlemen. This is Khan Benny. मैं इसकी description पढ़ रही थी. कुछ खास नहीं है, just normal introduction ही है बस. Okay, 1, 2, 3, play. Okay, this is like a comparison. She is somewhere outside. ठीक है? एक क्लास दिखाई जा रही है that she is holding a Starbucks और उन्होंने Louis Vuitton का बैग टांगा हुआ है और वो पिंड में है ट्रैक्टर के ऊपर. कह रहा साढ़े पिंड नहीं मिलती, तो उनका just gonna pick up that comparison. एक मिनट, हमने इस तरीके का half screen देखी है यार? कहाँ देखी है? I think खान बैनी का एक सॉन्ग था जिसमें फिर वो अपने रास्ते चलते थे, अपने रास्ते एंड में उनकी देखी है. मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सा गाने में, पर देखी है. भाई बहुत apt गाना है. I just want to let people know यार, this is feelings, kind of mutual on this. I've seen people, मैं कोई वो criticize नहीं कर रहा हूँ, but this is how it is. There have been people जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बिजनेस चल रहा है. हाँ, यू आर एंजॉइंग लाइफ. आई एम नॉट जेलस, इट्स जस्ट यहाँ पर ना लोग मेहनत कर रहे हैं. तो किसी से मेरी एक पॉडकास्ट में बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ना यार, मैंने कहा यार ही इज ओपनिंग बिजनेसेस, दिस गाय इज डूइंग. कह रहा उसको ना पहले से मिला हुआ है. हाँ. उसको उतने पैसे देके ना अभी की मार्केट में खड़ा कर दो, खा जाएंगे लोग उसे. एक्चुअली में सो दिस इज व्हाट इट इज एंड खान बैनी इज जस्ट पिनिंग दैट. सोनू कारा सानू मारा गिफ्ट चिमलिया ठग सरकार तू कली असी भैन पई चार चारा बिचो तीन तारका ने बैठे मारा किस पासे जाइए अगे खूह आर कने पिछे खाई याद खूह तो आया दस दस सीरी नू बारी पानी दी आया अज मसाई नी साडे पिंड नी मिलदी आज फिरदी गलास च तू पाई. ਤੂੰ ਬੱਜ
एक मिनट भाई, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं बता दिया? कुछ ज्यादा सर्कल मिलना चीजा का बड़ा फर्क है, थोड़े जो रमेश कहते साडे वाले ठरक है, आईपीएल देख ली जनीन करे चीर नी ते साडे आला तीजी अक बट्टी दा पला नी, तू पड़ी लंडन तो हो ते मेरी पिंडो सरकारी दी पढ़ाई, रीम ते उच्चे आ गोरी है नी जिमे पहली वाले खान दी चढ़ाई, साडे पिंड नी मिलदी या देर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस, मतलब तुम मान के चलो वो हमेशा ही होगा। जहां पे तुम्हें बिजनेस वैल्यू मिलेगी ना, पिंड इज रॉ, ठीक है, और उसको सजा सजू के जो वहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर कंट्रीज या फिर हाई सिटीज में भेजा जा रहा है फॉर अ रीजन, क्योंकि वहां पैसा मिल रहा है उस चीज का। डेफिनेटली निखिल, अगर तुम एक चीज देखो जो हम आई थिंक शुरू से इंडिया में देख रहे हैं, जैसे अल्फोंजो, इफ आई टॉक अबाउट अल्फोंजो मैंगो, रियलिटी सुनना, अल्फोंजो ना इंडिया में उगता है। तुमने खाया है? हाँ। कितनी बार? एक ही बार लाइफ में, 400 रुपए किलो था। क्यों? क्योंकि जो अल्फोंजो मैंगो से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ वैल्यू ज्यादा मिलती है। हाँ। तो ये चीज हमेशा रहेगी। दिस इज हाउ, क्योंकि अभी क्या है, तुम ना एक डेवलप्ड नेशन में नहीं हो, तो यू आर इन अ डेवलपिंग नेशन, और एक उसमें तुम्हारा माइंडसेट वैसा होता है कि यू नीड टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बट आई फील जो ये मेरा व्यू पॉइंट है चीज को लेके, हर प्रोफेशन का ना एक जो कितने एक साइकिल बनी हुई है उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो वैसे 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 चलेगा। अब जैसे अगर हम एक तरफ की पिक्चर लेते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि तू स्टोर से सामान खरीदती है, अगर हमने सप्लाई बंद कर दी तो तू क्या खाएगी। बट अगर ऑन द कॉन्ट्ररी जाए कि अगर उन्होंने खरीदना बंद कर दिया
तो इतनी प्रोडक्शन का भी क्या करेंगे हम, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये, एक बैलेंस चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ पर, पर ये चलना जरूरी है। हाँ, द थिंग इज यहाँ पर खान बहनी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है और वो बहुत अच्छा है, मतलब तरीके से लिखा है, बहुत अच्छा दर्शाया, वी एंजॉयड इट गाइस। जिन्होंने इसकी वीडियो करी है ना, दैट इज अर्श जाम एंड राघव जाम, अगर राजदीप शौकर का वो लाइफस्टाइल नहीं दिखाते ना, तो गाना समझने में और उसको फील करने में बहुत टाइम लगता। इट वुड हैव कम लाइक अ नॉर्मल सॉन्ग एंड वेंट लाइक अ नॉर्मल सॉन्ग, बट जो वीडियो के साथ इम्पैक्ट खेला गया है ना, एक लिटरली लाइफस्टाइल बताया गया है, मतलब एक्चुअली में एक पिंड में जो लड़की की शादी होती है, सब कुछ मिला मिलू के जो पेरेंट्स देते हैं, उसने उतने का बैग कैरी किया, दैट्स ट्रू, दैट्स अ ट्रू वैल्यू ऑफ दैट बैग, मतलब बहुत अच्छा से बताया है यार। एलवी का बैग मतलब, या एलवी ले लो कोई, और इतना महंगा नहीं है, मतलब महंगा है, महंगा है ले दो, चल वी गोना एंड अप हियर गाइस, दिस इज सॉरी टीवी, अच्छा वाला सी यू ऑल द टाइम गाइस, यस एडियोस, थैंक यू, लेंस ले लूंगा अच्छे वाला।